और आखिरकार शाहरुख खान ने करण जौहर के साथ हाथ मिला लिया है। उनकी अपकमिंग फिल्म में अपना कैमियो पक्का करवा लिया है। इस कैमियो के जरिए शाहरुख मचाएंगे उधम, वहां किंग खान के साथ करण कमाएंगे बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी रकम। करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शाहरुख की अपीयरेंस फाइनल हो गई है। एसआरके को आलिया और रणवीर सरन इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो के लिए अप्रोच किया गया है। खबरें हैं कि उन्होंने हाँ भी कह दिया है। इस फिल्म में वो एक वेरी वेरी स्पेशल डांस परफॉर्मेंस देते हुए नजर आने वाले हैं। पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा भी गया था कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शाहरुख खान और काजोल का कैमियो होगा, लेकिन एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो फिल्म में सिर्फ शाहरुख खान का ही स्पेशल अपीयरेंस होगा। हालांकि फिल्म का विकिपीडिया पेज अब भी ये कहता है कि फिल्म में शाहरुख खान और काजोल दोनों का कैमियो होने वाला है, लेकिन इनसाइड सोर्सेज की माने तो काजोल अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से इस फिल्म को नहीं कर पाएंगी। पब्लिकेशन को सोर्स के जरिए मिली जानकारी की माने तो काजोल फिलहाल कोई प्रोजेक्ट को लेने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को इस फिल्म से अलग कर दिया है। हालांकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर की फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं, जबकि शाहरुख खान करण जौहर को पहले ही हाँ बोल चुके हैं। सब जानते हैं कि शाहरुख खान कभी करण जौहर को मना नहीं करते हैं। खास बात ये है कि आने वाले कुछ दिनों में शाहरुख खान फिल्म के लिए एक स्पेशल गाने की भी शूटिंग शुरू करेंगे। दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि करण जौहर से शूट से जुड़ी कोई जानकारी भी शाहरुख खान ने नहीं ली है। शाहरुख और करण की दोस्ती कितनी पुरानी और कितनी स्ट्रांग है ये जग जाहिर है, और इस फिल्म के लिए हाँ कहकर शाहरुख ने एक बार फिर से इस मजबूत दोस्ती का सबूत दे दिया है। अगर वाकई ऐसा होता है कि शाहरुख इस फिल्म में कैमियो करते नजर आते हैं तो ये फैंस के लिए विजुअल ट्रीट साबित होने वाली है, क्योंकि ऐ दिले मुश्किल के बाद करण किसी फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनकी फिल्म में किसी भी पेशे से कोई भी कमी का एहसास व्यूअर्स को हो। और अपनी आखिरी फिल्म का ट्रेंड आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से करण ने अपने हुक्म के इक्के यानी शाहरुख खान को चलाया है। देखना होगा कि ऐ दिले मुश्किल की तरह ये फिल्म कौन सा झंडा गाड़ती है। इसी के साथ अब शाहरुख अगले साल की ही शुरुआत में दो बड़े धमाके करेंगे, जनवरी में पठान तो फरवरी में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वहीं दिसंबर में डंकी। लगता है कि अगला साल शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल साबित होने वाला है। वैसे आप रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शाहरुख का स्पेशल डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।